हे बडीज, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग फिर से GT5 खेल रहे हैं। माइकल को ऐसे सूट बूट में देख के हैरानी क्यों हो रही है? क्या माइकल अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता? लास्ट टाइम यार डिगन माफिया और चाइनीज गैंग से पंगे लेते फेरे थे हम लोग। हमने एक सुपर कार चुराई थी, उसके अलावा हम लोग ने गवर्नमेंट की हेल्प की थी, और माइकल को उससे जो पेमेंट मिली थी हमने उससे अमांडा को एक नई लैम्बोर्गिनी लेके दी थी। पर माइकल के खुद के पास अभी तक एक फजूल सी कार है, और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन भी अपने लिए सुपर कार चुराता फिर रहा। और आज यार पता नहीं लेस्टर को कैसे रैम आ गया माइकल पे। उसने मुझे बताया कि एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, एक ऐसी कार चुरा सकता हूं मैं जो माइकल के लिए फुली सूट करेगी। एक गोल्डन रोल्स रॉयस चुरानी है आज हमें माइकल के लिए, वो भी एक माफिया मेंशन से, शहर के बहुत बड़े बिलियनियर की मेंशन से, जहाँ पे आज एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। यहाँ पे यार कोई रोबरी हो रही है, एक लड़की के पैसे छीन के कोई भाग गया है यहाँ से। ये भागा जा रहा चोर, चलो इसे पकड़ते हैं। रुक जा, किधर जाएगा? मुझे लगता है चांद पे जाना है इसने भाग के। इसे मैं भेज लेता हूँ चांद पे। या तो यार ये तो फिर निकल गया, मेरे पास मेरी सप्रेस्ड गन भी नहीं है, अब मुझे इसकी टांग पे शूट करना पड़ेगा। तमीज से दे दे पैसे, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? ये ऐसे नहीं मानेगा, अब मुझे ऐसे इससे पर्स चुराना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इस पर्स को रख भी सकता हूँ और वापस भी कर सकता हूँ, पर इन 10-20 डॉलर से मेरा क्या बनने वाला है, वापस ही दे आता हूँ मैं उसे। ये रही वो मैडम, ये लो अपने पैसे। पार्टी यार शाम टाइम यार, माइकल का हुलिया थोड़ा सा बिगड़ा हुआ। मैं सोच रहा था कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, नया सूट खरीदते हैं और साथ ही बार्बर से भी हो लेते हैं। माइकल की थोड़ी सी शक्ल सुधर जाएगी, उसके बाद हम लोग पार्टी पे जाएंगे। इतने में हमारा टाइम भी थोड़ा गुजर जाएगा और शाम के टाइम हम पार्टी पे चलेंगे। ठीक है, तो हेयर कट करवा लेते हैं पहले, ये वाला कुछ बेहतर लग रहा है। मुझे लगता है फुल बियर्ड ज्यादा अच्छी लग रही है, तो ये ठीक है। अब चल के एक नया सूट खरीदते हैं। हमें अब जाना है हाई एंड क्लोथ्स की शॉप पे, और ये लो हम पहुंच आए। क्या नया स्टफ आया हुआ है इनके पास? फुल व्हाइट या फुल ब्लैक? कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इसमें, ब्लैक ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो माइकल अब फुल रेडी है, और अब बारी है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज खरीदने की। अब हम लोग चल के कुछ वेपन्स खरीदेंगे, क्योंकि यार वो पार्टी माफिया ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स होंगे। अब उन गार्ड से तो मैं हाथापाई करने से रहा, इस वजह से मुझे वेपन्स चाहिए होंगे, और मैं कोशिश ये करूंगा अपनी स्टेल्थ मेंटेन करके वहाँ पे अप्रोच करूँ, ताकि ज्यादा मुश्किल ना हो मेरे लिए। ओके, हम लोग एमिनेशन पे पहुंच आए हैं, अपनी गन्स पे सप्रेसर लगवा लेता हूँ। ठीक है, तो एमओ वगैरह खरीद लिए मैंने, अपनी गन पे सप्रेसर लगवा लिया, फ्लैश लाइट वगैरह, एक्सटेंडेड क्लिप वगैरह। और अब मुझे लगता है कि शाम भी होने वाली है, हमें चलना चाहिए अब पार्टी पे, क्योंकि मुझे लगता है अब पार्टी स्टार्ट हो चुकी होगी। अगर वहाँ पे गोल्डन रोल्स रॉयस ना भी हुई तो चलो पार्टी एंजॉय करके वापस आ जाएंगे, पर लेस्टर को अगर इन्फॉर्मेशन मिली है तो ऐसा हो गई। और आज माइकल के पास एक नई लग्जरी कार आने वाली है। मेंशन पे तो पहुंच आया हूं मैं यार, पर मुझे इसका मेन गेट ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही है। मुझे इसका मेन गेट नहीं दिख रहा, काफी बड़ी मेंशन है। यहाँ बैक साइड से मुझे गेट दिखा तो है, अब ये गाड़ी मुझे अपनी यहाँ कॉलेज में पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि यार ये गाड़ी अगर मैं उस मेंशन में छोड़ गया तो मुझे ये गाड़ी नहीं वापस मिलेगी। यहाँ कॉलेज से तो मैं बाद में आके ले जाऊंगा। मुझे लगता है शायद इस गेट से एंटर कर सकता हूँ मैं, ये गेट शायद खुला हो। ये क्या मजाक है यार, यहाँ पे तो आगे दीवार बना रखी है। चलो यहीं से चलते हैं। एक गार्ड खड़ा हुआ है यहाँ पे, पहले मैं जरा इस गार्ड का सफाया कर देता हूँ, क्योंकि यार जितने ज्यादा गार्ड का मैं जल्दी सफाया कर दूं उतना मेरे लिए अच्छा है। अब जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, इससे पहले मुझे कोई नोटिस कर ले इस गार्ड की डेड बॉडी के पास। वाओ यार, यहाँ पे तो काफी सारी स्पोर्ट्स कार्स आई हुई हैं। मुझे तो लेस्टर ने पार्टी का बताया था, ये तो नहीं बताया था कि यहाँ पे कार शो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीन तो कुछ ऐसे ही है। एक गोल्डन हेलीकॉप्टर खड़ा पीछे, चलो चल के पहले हेलीकॉप्टर देख लेते हैं, क्योंकि यार मुझे अपने लिए हेलीकॉप्टर चाहिए ऐसा। ट्रेवर के पास भी एक हेलीकॉप्टर है, माइकल के पास भी होना चाहिए, उसके लिए एक नई मेंशन भी चाहिए होगी मुझे, क्योंकि मेरे घर पे तो हेलीकॉप्टर खड़े करने की जगह ही नहीं है। लगता है शहर के सारे अमीर लोग आए हुए हैं। मुझे लगता है सैंडी शोर से यहाँ पे लोग आए हैं, क्योंकि ऑफ रोड गाड़ियां भी खड़ी हैं। और ये लोग तो अभी से बॉनफायर कर रहे हैं, अभी रात तो होने दो, कुछ ज्यादा एडवेंचरस हैं ये। यहाँ पे हेलीकॉप्टर के पास भी गार्ड्स खड़े हुए हैं, पर अभी इन्हें मैं नॉकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे यार काफी सारे लोग हैं, और अगर मैंने अभी इन्हें नॉकआउट किया तो यहाँ पे भागदौड़ मच जाएगी। पार्टी तो काफी टाइम से शुरू हो गई है यार, लेस्टर ने मुझे शाम टाइम को बताया था, पर शुक्र है मैं जल्दी पहुंच आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब गेस्ट आ चुके हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पे यार एक रोल्स रॉयस खड़ी तो है, पर ये ब्लैक कलर की है, और ब्लैक कलर की नहीं चाहिए मुझे, मुझे गोल्डन कार ही चुरानी है अब, क्योंकि लेस्टर ने मुझे गोल्डन कार ही बताई थी। यहाँ पे ग्रे कलर की भी खड़ी है, आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे एक और ब्लैक रोल्स रॉयस खड़ी है, और इस जगह पे सब SUVs खड़ी हैं। हर तरह की गाड़ियों का अलग पार्किंग स्पॉट बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे एक गार्ड खड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल से ये अकेला है, शायद मैं इसको नॉकआउट कर सकता हूँ। वहाँ पे एक और गार्ड खड़ा हुआ है, मुझे अपनी गाड़ी लेके जानी है यहाँ से, इसलिए मैं इन गार्ड्स को पहले स्पॉट कर रहा हूँ। और मुझे लगता है यार पहले मुझे जरा इन गार्ड्स को ना नॉकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास मौका है।
एक गार्ड तो गया और दूसरे वाले को भी मैं नॉकआउट कर देता हूँ। अब जल्दी से इस जगह से ना निकल जाता हूँ। और ये मेंशन का फ्रंट है शायद, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सारे लोग हैं। यहाँ पे तो फुल एंजॉयमेंट का माहौल बनाया हुआ है इन लोगों ने। बिगफुट को कैसे बुलाया हुआ इन्होंने यहाँ पे, अब ये क्या चीज है। वैसे मुझे इन लोगों से पंगे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि यार ये सब गैंग्स के लोग हैं। देखो मैं अभी इस पास खड़ा ही हुआ था, ये लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। कोई बात नहीं यार, तुम लोग अपना करो जो कर रहे हो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कह रहा। बहुत ही गुस्से वाले लोग हैं यहाँ पे। डेवी भी यहाँ आया हुआ है। हेलो डेवी। डेवी की नई गर्लफ्रेंड बहुत ही बकवास है। और फाइनली मेरी नजर पड़ी मेरी गोल्डन रोल्स रॉयस पर यार यहाँ पे तो बहुत सारे गार्ड्स हैं। अब इन गार्ड्स का मैं क्या करूं, इनको तो मैं स्टेल्थ से नहीं मार सकता, क्योंकि ये लोग तो पास पास ही खड़े हैं। एक गार्ड को मारा तो दूसरे को पता चल जाएगा। और ऐसे यार यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, भगदड़ मच जाएगी और पुलिस भी आ सकती है। मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। क्या करना चाहिए मुझे? अब मुझे अपनी गाड़ी दिख गई है तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। मेरा दिल कह रहा है मैं अभी लेके निकल जाऊं यहाँ से। ये कोई इतना गहरा स्विमिंग पूल तो नहीं है जो यहाँ पे बेवॉच वाला बुलाया हुआ है इन्होंने। इधर क्या चल रहा है ये देखो यार, ये अपने आप को माउंट एवरेस्ट का क्लाइंबर समझ रहा है। चलो मैं भी ऊपर चलता हूँ। इसको लगता है सिर्फ ये यहाँ पे चढ़ सकता है। ये मेरी जगह है, निकल इधर से। अच्छे से स्विमिंग करना, मुझे लगता है यार ये परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ से अगर मैं अपनी सप्रेस्ड गन यूज करके गार्ड्स को मारना शुरू करूँ तो क्या इनको पता चलेगा? सबसे पहले उधर वाले गार्ड को मारता हूँ। गार्ड्स ने नोटिस ही नहीं किया। चलो दूसरे गार्ड को भी मारता हूँ। अब इसकी खैर नहीं। और यार ये जो आगे फ्रंट पे गार्ड्स खड़े हुए हैं, इन्हें तो मुझे मारना ही है, क्योंकि मुझे यहाँ से अपनी गाड़ी लेके जानी है। और अब गार्ड्स को मैंने मार दिया तो लोग भाग रहे हैं डर के। और यहाँ पे सब लोगों को पता चल गया कि मैंने गार्ड्स को नॉकआउट करना स्टार्ट किया है। सब लोग डर के भाग गए हैं यहाँ से। और देखते ही देखते यार सारी मेंशन खाली हो गई है, लोग यहाँ से भाग चुके हैं। और गार्ड्स का मैंने यहाँ पे सफाया कर दिया है। अब अपनी गोल्डन रोल्स रॉयस लेके निकलने का टाइम है। और कितनी ही देर से यार मैं इस मोमेंट का वेट कर रहा था। अब चलो यार निकलते हैं अपनी नई रोल्स रॉयस लेके। इन लोगों को क्या हुआ है? इन्हें तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, पर मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो ये लोग डर के भाग रहे हैं। और फाइनली यार मैं अपनी गोल्डन रोल्स रॉयस लेके निकल चुका हूँ यहाँ से। अब जल्दी से चलते हैं अपने घर और अपनी नई रोल्स रॉयस दिखाते हैं फैमिली को। लेस्टर को थैंक यू बोलना है, पर यार वो मैं बाद में भी बोल सकता हूँ। फिलहाल मैं अपनी इस नई गाड़ी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और यार फाइनली हमारी नई गाड़ी हमारे घर आ चुकी है और मैं इसको यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। अब यार इस गाड़ी के बदले हमने जो माफिया से पंगा लिया है, और अगर उसके बदले में हमारे साथ कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास एक गोल्डन कार आ चुकी है। और माफिया से तो हम वैसे भी लड़ते ही रहते हैं, मतलब कि इस दफा माफिया से पंगा लेने का कुछ तो फायदा होगा। और यार आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। और हाँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ माइकल की नई रोल्स रॉयस कैसी लगी है तुम्हें। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।